क्या है बनी का सियासत का मिजाज, ये पॉलिटिकल रिसर्च देखिए मेरे साथ। क्या है सियासत का मिजाज, आज मैं भाजपा कार्यालय बनी में हूं और मेरे साथ भाजपा के सीनियर कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। वो जानते हैं कि आखिर बनी में क्या है सियासत का मिजाज, जानते हैं। हमारे साथ है उत्तम चंद गोस्वामी जो कि सीनियर कार्यकर्ता या लीडर्स कह लीजिए भाजपा के। सर स्वागत है आपका बनी अपडेट में। थैंक यू सर। जिस तरह से एक काफी अरसे के बाद, अगर कहें कि 10 साल के बाद, लगभग 10 साल के बाद जो है विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, किस तरह देखते हैं सर? देखिए, ये चुनाव 370 टूटने के बाद हो रहे हैं और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, विकास के लिए करवा रही है। और इस चुनाव में इलेक्शन कमीशन करवा रहा है भारतीय जनता पार्टी? इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, करवा रहा है। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार बने, और मैं ये दावे से कहना चाहता हूं कि सरकार भाजपा की बनेगी। और इस जब हमारी सरकार बन जाएगी तो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, इलाके का विकास होगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर वो किसी को मकान के पैसे देती है तो वो ये नहीं पूछती है कि तुम्हारी जात क्या है, या तुम किस जात से ताल्लुक रखने जा रहे हो, या किस को वोट दे रहे हो। हर एक को एक नजर से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास बनी के अंदर किया, आज देखिए बनी से टंडीगुटू रोड जा रहा है, आज बनी से डगर रोड जा रहा है, आज हंसा पुल्डी रोड जा रहा है, आज बनी से स्थितिगति भंडार रोड जा रहा है, आज बनी से संद्रोण भंडार रोड जा रहा है, आज बलजेडी रोड जा रहा है, आज शारा जोड़े माता रोड जा रहा है, आज रोडों का जाल बिछ गया है, जो दौले माता रोड जा रहा है जो कि झंडार से होता हुआ। हम विकास करते हैं, हमारी पार्टी ने विकास किया। आज अगर हम किसी को मुफ्त राशन देते हैं तो हम उसकी जात नहीं पूछते हैं, हम उसको ये नहीं पूछते हैं कि आपने वोट किसको दिया है, हमारे लिए सब बराबर हैं। हमने, हमारी पार्टी ने आज तक जितना भी विकास, 70 साल राज किया कांग्रेस ने, 70 साल के अंदर उग्रवादी पैदा किया उन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने उग्रवाद को बढ़ावा दिया। जब से यहां धारा 370 टूटी, आज हर व्यक्ति खुश है, आज मिनार्टी मोर्चे वाले खुश हैं, आज हर एक हमारा जितना भी आज खुश है। आज देखिए मोमेंट हो रही है, लेकिन हमारी सेना जो है डटकर मुकाबला कर रही है। हमारे लोग, हमें वो वक्त भी याद था कि कांग्रेस के समय में हमने 4 बजे दुकानें बंद कर देते थे और 4 बजे हम अपने दरवाजे बंद कर देते थे, आज हम 24 घंटे फिरते रहते हैं, किसी का भी हमें डर नहीं है। आज हमारी आर्मी, हमारी BSF, हमारी CRP, सिविल पुलिस आज डटकर मुकाबला कर रहे हैं। आपने आतंकवाद का जिक्र किया और जिस तरह से आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर कहीं ना कहीं उनको पनाह दी थी, तो वहीं अगर हम इस वक्त प्रेजेंट सूरत हाल की बात करें, जिस तरह से हम जम्मू संभाग में आतंकी हमले देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, और कल की बात करें तो नुकनाली माता के करीब ही वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, किस तरह देखते हैं लगातार? अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो लगातार यहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं। रिसेंटली हम देखा बदनोटा में हमारे भारतीय सेना के 5 जवान जो है शहीद हो गए थे, किस तरह देखते हैं? अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं है, ये अब आतंकवाद कैसे फैल रहा है? देखो, इन्होंने बी पैदा किया है, उसको खत्म करते करते टाइम लगेगा। 70 साल में इन्होंने उग्रवादियों को बना दी, 70 साल में PDP थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, इन्हीं के टाइम का जो उग्रवाद है। देखो, किसी चीज को खत्म करने में टाइम लगता है, आज हम उनको दुड़ा दुड़ा कर मार रहे हैं, आज उनके पीछे सेना लगी हुई है, वो चोरी से हमला करते हैं। ये हमारा बनाया हुआ था, ये इन कांग्रेस PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनाया हुआ, जे हमें वो वक्त याद है कि इन्होंने ये इनको पाला है।
और पाल करके आज इनको हमने खत्म करना, खत्म करना मैच पर तो बहुत खत्म हो गया। वो पत्थरबाजी होती थी, आज पत्थरबाजी बंद है। आज लोगों के घरों में वो बच्चों को जबरदस्ती उठा कर ले जाते थे, आज वो वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। आज जंगलों में छुप कर बार करते हैं, हमारी सेना उनका डटकर मुकाबला कर रही है। आज नुकनाली में कल देखिए, जब भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की तो हमारी सेना वहां कितनी दूर है, हाइट पर है, इस वक्त 10,000 की हाइट से ऊपर ज्यादा है, लेकिन वहां दूरी हमारे पड़ गई, उसकी वजह से वो बच निकले। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारा उग्रवाद भाजपा के टाइम का उग्रवाद थोड़ी है। उग्रवाद तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के पाले हुए ये दूत हैं। आज अगर हम इनको नहीं रोकेंगे, आज हम किसी और को वोट देंगे या किसी और के साथ चलेंगे, तो वो वक्त याद करें जिस वक्त हम 4 बजे से पहले ही दुकानें बंद कर देते थे। आज हम दिन रात दुकानें खुली है हमारी। वो वक्त मुझे याद है, कांग्रेस का टाइम था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का टाइम था, पीडीपी का टाइम था, कि हमारे बच्चे जब स्कूल को जाते थे तो हम ये नहीं सोचते कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा। हमारा कोई व्यक्ति राशन के लिए बाजार में जाता था, हम सोचते थे कि वापस आएगा या नहीं आएगा। आज हमें हर किसी, आज हम वो गरीब मैंने देखा है, सिस कर मरते थे, सिस कर जान देते थे। आज 5 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से उनका इलाज के लिए जा रहा है। जहाँ हमारे संदूर के अंदर एक लड़की बीमार थी, बहुत गरीब घराने की थी, उसको कैंसर था, मोदी सरकार की तरफ से 5 लाख उसको मिला, कुछ लोगों ने डोनेशन दिया, आज वो ठीक ठाक अपने घर में बैठी है। सियासी माहौल क्या है इस समय बन? सियासी माहौल है, बीजेपी जीतेगी, बहुमत से जीतेगी। हर एक आदमी जानता है, हर व्यक्ति जानता है, हर हिंदू मुसलमान जानता है, हर छोटा बड़ा जानता है, हर मिनोरिटी के लोग जानते हैं कि अगर उग्रवादियों से बचाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी ही करवा सकती है। ये सरकारें अगर खुदा करे नहीं ऐसा, भगवान ऐसा नहीं करे, अगर ये आ जाए तो उग्रवाद तो घरों में आकर घुस जाएंगे। मुझे वो दिन याद है कि सर्कल के अंदर दिन दिहाड़े इन्होंने वॉलीबॉल खेल रहे थे, उस वक्त मैं भी सर्कल में था, वॉलीबॉल खेल रहे थे, और रात को हमारे 2 जवान शहीद हो गए, 2 जख्मी हो गए। आज वो नहीं है, आज ये छुप छुप कर चल रहे हैं। आपने भी तो नहीं कहीं अंत तक से वॉलीबॉल खेला वहां पर? नहीं नहीं, हमने मामे मालूम है ना, हमने देखा है ना, तो दिन के दिन में चलते थे ये, आज छुप छुप कर चल रहे हैं। आज लोग जो हमारी यहाँ के लोग हैं वो इनको पनाह नहीं दे रहे हैं। आज हमारा मुसलमान इनको पनाह नहीं दे रहा है, आज हमारा हिंदू इनको पनाह नहीं दे रहा है, आज ये छुप छुप कर भाग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी हम भाजपा को वोट दें, भाजपा ही हमें बचा सकता है। अब देखिए, कहीं भी जाकर देखिए, कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं हमारे हिंदू मुसलमान प्रसाद हो रहे हैं, लेकिन बनी के अंदर बनी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारा है, हम एक हैं, हमारा भाईचारा इतना पुख्ता है कि आज उग्रवादियों को पनाह कोई नहीं दे रहा है, कोई भी व्यक्ति हमारा, कोई भी किसी भी मिनोरिटी का जो है वो नहीं दे रहा। हम मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से हमारे ये प्रत्याशी जीवन लाल जी आए हैं, अनिष्ट और धारदार हैं, और जीवन जी ने अपना सब कुछ त्याग कर करके भारतीय जनता पार्टी में आकर के लोगों की सेवा की है। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब ये प्रत्याशी थे तो इन्होंने अपनी जेब का, अपनी तनख्वाह का पैसा भी जो है वो गरीबों के हित में लगा दिया। ये एक रजे हुए आदमी है, ये भूखे नंगे आदमी नहीं है। आपने सिर्फ विकास की बात की, अगर हम बनी को छोड़ के एज पर कंपेयर लवाही मलार के साथ करें, मैं समझता कहीं ना कहीं बनी में काफी सारी डेवलपमेंट हुई है, तो यहाँ के लवाही मलवार की तरफ हम देखें तो काफी सारी सड़कें में भी खंडरात का मंजर कर पेश कर रही हैं, वहां पे जो स्थिति है वो काफी खराब है, किस तरह देखते हैं वहां पर? अगर ये खराब स्थिति है तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, लवाही मलार के अंदर भी बहुत विकास हुआ है, इस सड़कों की हालत काफी खराब है। देखिए, वो हिली एरिया है,
एक सड़क को बैकबोन माना जाता है, अगर विकास की राहों पर अगर किसी भी इलाकों के लेके जाना हो तो सड़क ही एक माध्यम है कि तकदीर और तस्वीर को बदलना है तो सड़कें बेहतर होनी चाहिए। देखिए सड़कें, वो पहाड़ी हिली एरिया है हमारा, सड़कें बन रही हैं, कहां थी सड़कें 70 साल में? लोहाई मलार में कितनी सड़कें थी 70 साल में? लोहाई मलार के अंदर कितनी जगहों पर पानी था 70 साल के अंदर? लोहाई मलार के अंदर कितने एमएलए रहे हैं? उन क्या किया, क्या दिया लोहाई मलार को? आज उसकी तुलना पे जीवन लाल जी को तुलना की जाए तो जीवन लाल के 2.5 साल के कार्यकाल में विकास कितना हुआ है? ठीक है, सड़कें बनती है, ऊपर से स्लाइटें पड़ती है, सड़कें बंद भी हो जाती हैं, खुलती भी हैं, लेकिन उसकी तुलना 70 साल में करें। 70 साल में क्या किया, कितने आदमियों को उन्होंने मकान के लिए पर? मुझे वो बक्त याद है, मैं सरपंच था, मुझे वो बक्त याद है कि हमारी पंचायत के अंदर 2 या 3 केस आते थे, आज पंचायत के अंदर हजारों केस आते हैं। आज पंचायत के अंदर इतना पैसा मोदी जी ने डायरेक्ट दिया, आज मजदूरों के खाते में पैसा जा रहा है। मुझे वो वक्त भी याद है कि इंदिरा आवास योजना के पैसे आते थे, उसमें हिस्से बांटे जाते थे, सरपंच का हिस्सा है, मेंबर का हिस्सा है, बीडीओ का हिस्सा है, एसीडी का हिस्सा है, इंजीनियर का हिस्सा है, और लास्ट में उसको बेचारे को कुछ नहीं पड़ता था तो वो मकान नहीं बनता था, आज मकान बन रहा है। आपका कहने का ये तत्व है कि करप्शन बहुत ज्यादा थी उस समय, बहुत ज्यादा, लेकिन मैं वही आपको बता दूं कि मच्छेडी से लेकर घट तक 2019 से लेकर 2024 तक 1,04,44,000 रुपए निकल जाते हैं। अगर आप गए होंगे सड़क पर, 13 किलोमीटर सड़क पे मुझे लगता है 1 रुपए भी खर्च किए गए होंगे, डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? अब तो कांग्रेस और ये नेशनल कांफ्रेंस की सरकार तो नहीं है, लेकिन कुछ तत्व आज भी हैं। वो अब मोदी जी को क्या पता है कि ये सेंटर से तो पैसे आ गए, 104 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए, लेकिन लगे नहीं जमीन पर। देखिए आज वो वक्त नहीं है, मैं आपके माध्यम से ये बात करना चाहता हूं कि जितना पैसा है वो डायरेक्ट जा रहा है और लग रहा है, ये नहीं आप कह सकते हैं कि लगा नहीं है। मुझे वो वक्त याद है कि कांग्रेस की सरकार के अंदर उस वक्त एक सरपंच था जो उसको सड़क के पैसे आए तो रड़पे से सोत डाल रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, कहने लगा जी 1,00,000 रुपए आया था, मुझे 20,000 मिला है तो 5,000 खर्च करके मैं सोच जब जहां रड़पे से सोत बात करूंगा, नहीं तो क्या करूंगा, 15,000 तो मुझे भी कमाना है। तो आज वो नहीं है, आज ठेकेदारों के पास पैसा जा रहा है, आज कंपनियों के पास पैसा। सर एक इंटरव्यू लंबा हो रहा है, हालांकि मैंने आपके DDC जो प्रत्याशी थे वहां से उनसे भी बात हमने की थी, वो कह रहे इसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेंट की है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपके आपके साथ आप हमारे साथ जुड़े। हमारे से यहाँ पर ठाकुर दास हैं जो सीनियर कार्यकर्ता है, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं आखिर सियासी मिजाज क्या है इस समय बनी का और किस तरह देखते हैं और किस तरह से जोरों से और शोरों से भाजपा यहाँ पर कैंपेनिंग में जुटी हुई है। सर किस तरह का सियासी मिजाज है इस समय बनी में, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो किस तरह की कैंपेनिंग जारी है आपकी? शुक्रिया खुर्शी जी, यहाँ पर इस वक्त आपने पूछा कि सियासी मिजाज यहाँ पर क्या है, भाजपा ही जीतेगी और हमारा लोगों को यही संदेश है कि भाजपा को वोट दें, बेलमेट को वोट दें और शोशाबाजी जो कुछ लोग छोड़ रहे हैं और जात पात से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, उसी से बनी की तरक्की होगी और यहाँ से हमारे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं श्री जीवनलाल जी को कामयाब कराएं, क्योंकि हमारे दिल्ली में जो PMO ऑफिस में बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्रधानमंत्री जी, जब बनी की कोई भी डेवलपमेंट होगी तो श्री जीवनलाल जी कोई भी यहाँ से डेवलपमेंट का जो पैसा लाएंगे वो दिल्ली से आएगा या गवर्नमेंट से आएगा। बाकी जो ये यहाँ पर शोशाबाजी छोड़ रहे हैं इनके बस का काम नहीं है, ये अब तो 101% ये कोई 2,000 पर लग जाएगा, कोई 3,000 पर, यहां से भारी बहुत मत से जीवलाल जी जीतेंगे। सर अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, किस तरह देखते हैं? सर पहली बार 370 विधानसभा के चुनाव के बाद, विधानसभा के 370 हटने के बाद पहली बार यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। हम यही देखते हैं कि इस वक्त
370 हटने के बाद यहाँ की डेवलपमेंट हुई है। सेंट्रल से जो पैसा आया वो डायरेक्ट लोगों के खाते में गया है। पहले आपको याद होगा कि जब कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं दिल्ली से 100 रुपया बेचता हूँ तो ग्राउंड पर 1 रुपया पहुंचता है। आज अगर दिल्ली से 100 रुपया आता है तो 100 का 100 जो है वो गरीबों के खाते में जाता है और गरीबों के जेब में जाता है और ग्राउंड पर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के। थैंक यू। और ये हमारे साथ भाजपा के कार्यालय में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से कह रहे हैं कि भाजपा की ही सरकार जो है आने वाले इस विधानसभा चुनाव के बाद जो है जो भी नतीजे आएंगे भाजपा की सरकार जो है वो बनने जा रही है। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। सड़कें आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार तो फिर जरा भी ना करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग पॉल। तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 600।